वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट एंड लॉस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं कुछ कंपनियों के बारे में जिसके ऊपर पहले ही वीडियो बना चुका हूं। आज सिर्फ लेवल के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आपके सामने मैंने ओपन किया, इस कंपनी का नाम है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस शेयर का जो करंट प्राइस है 125 रुपये 20 पैसे, और आज की इसकी डे की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी हुई है। करीब 8.77% डे हाई पे इसने अपनी डे की क्लोजिंग दी है। तो अब बात करते हैं कि इसका आने वाले टाइम में लेवल क्या होगा, जो न्यू बायर है उन्हें ये बाय करना चाहिए, इन सारी बातों पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके ऊपर पहले भी कई बार वीडियो बना चुका हूँ, और पहली वीडियो मैंने बनाई थी 10 फरवरी को, और 10 फरवरी को जो इसका प्राइस मैं आपको दिखाता हूँ, करीब 60-65 रुपये के आसपास उस समय से ट्रेड करता था। तो वही था कि उस समय मेरे हिसाब से अगर आपने देखा होगा मार्केट में, क्योंकि स्टील के सेक्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस रहता है, और ये भी मार्केट में खबर चल रही थी कि स्टील के जितने भी शेयर हैं उसमें अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिलेगा। और शुरुआत टाटा स्टील से हुई थी। जैसे ही टाटा स्टील के शेयर भागे, उसका शेयर 700 रुपये के आसपास ट्रेड करता था। जैसे ही उसके शेयर के प्राइस भागे, उसी के देखते देखते जितने भी स्टील सेक्टर के शेयर हैं सबके शेयर में एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला। अभी का जो इसका प्राइस है तो 125 रुपये है। तो इस कंडीशन में अगर किसी को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर बात करते हैं। जैसा कि यहाँ पर 115 रुपये आ रहा है, ये 29 अक्टूबर का ये प्राइस आ रहा है, अभी इन्होंने अपडेट नहीं किया। इसके अकॉर्डिंग 125 रुपये का अभी का इसका प्राइस है, यानी ये 50 DMA को ब्रेक कर चुका है, जो 50 DMA करीब 120 रुपये के आसपास था। तो ऐसे कंडीशन में अगर कोई इसे ट्रेड करना चाहता है, तो ट्रेड में सिंपल आपको कहता हूँ कि 120 रुपये का स्ट्रॉन्ग SL है। अगर कोई इसमें अभी इन्वेस्ट करना चाहता है, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही टाइम नहीं है। सेल कंपनी बहुत अच्छी है, पर अगर इस शेयर आपको 110 रुपये के आसपास मिले, तभी एकदम सही टाइम है इसे बाय करने का। अगर ये शेयर कभी आपको 110 रुपये के आसपास मिले, तब बिल्कुल सही टाइम है इसे बाय करने का फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। और डिविडेंड भी अच्छा खासा पे करता है, इसमें आप अपने दिमाग से बात निकाल दो, कंपनी कभी भी आपको घाटा देगी है। पर अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहते हो, तो उस कंडीशन में हमारा 120 रुपीज़ का एक स्ट्रॉन्ग SL है। जो भी इसे कल या परसों या आने वाले दिनों में इसे खरीदेगा, वो 120 रुपये के एक स्ट्रॉन्ग SL को फोकस करेगा और इसी के साथ खरीदेगा। आने वाले टाइम में इसका टारगेट, अगर ये शेयर 130 रुपीज़ के ऊपर सस्टेन हो गया, अगर ये शेयर 130 रुपीज़ के ऊपर सस्टेन हुआ, 130 रुपीज़ के ऊपर सस्टेन हुआ, उसी कंडीशन में इसमें हमें कोई आने वाले टाइम में कोई अच्छा मूव देखने को मिलेगा। अगर 2 से 3 दिन ये 130 रुपीज़ यानी 130 रुपये के ऊपर सस्टेन हुआ, तो आराम से 140 रुपये के आसपास ये शेयर हमें जाता हुआ दिख सकता है। पर अभी के लिए पैनिक नहीं होना, अगर कोई इसे बाय करना चाहता है तो स्ट्रॉन्ग SL 120 का स्ट्रॉन्ग SL है, इसी के साथ बाय करना है। अब बात करते हैं अपने अगले शेयर के बारे में। इसका नाम है DLF लिमिटेड। इस शेयर का करंट प्राइस 409 रुपये 90 पैसे है, और इसकी डे की क्लोजिंग 2.83% डे हाई पे हुई है। तो लास्ट टाइम मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी 11 अक्टूबर को, और मैं बताना चाहता हूँ 11 अक्टूबर को जो इसका प्राइस था वो करीब 424 रुपये के आसपास था, और उस समय शेयर आप देखोगे काफ़ी पीक पे था। अगर हम कंपेयर करेंगे अपना 50 DMA के सपोर्ट से, तब मैंने उस समय आपको मना किया था, अगर कोई इसमें अभी इन्वेस्ट करना चाहता है बिल्कुल सही टाइम नहीं है। तो अगर कोई ट्रेड करना चाहता है उस कंडीशन में, वो 415 रुपये के SL के साथ इसे ट्रेड कर सकता है। पर उसके बाद कुछ दिन एक अच्छा पीक आया, फिर डाउनफॉल भी शुरू हो गया। 18 अक्टूबर के बाद इस शेयर में अच्छा खासा डाउनफॉल शुरू हुआ था। तो उसके बाद ये डाउनफॉल 29 अक्टूबर को 398 रुपये 60 पैसे पे इसने अपनी डे की क्लोजिंग दी थी। आज का जो प्राइस है, यानी 1 नवंबर का, अभी इसमें अपडेट नहीं हुआ, तो आज का जो प्राइस है 409 रुपये, तो यानी करीब ये 409 रुपये के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। तो अभी के लिए अगर कोई इसे बाय करना चाहता है, मेरे हिसाब से अभी कोई बाय करना चाहता है, तो 400 रुपीज़ का एक SL, एक स्ट्रॉन्ग SL है इसके अंदर। और अगर ये शेयर जो इसका 415 रुपये, अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है, 415 रुपये के ऊपर अगर ये सस्टेन होता है, तो उस कंडीशन में ये शेयर आने वाले टाइम में जो इसका यहाँ पर हमें पीक मिला है करीब 440, तो इसका टारगेट 440 का हमें टारगेट आराम से मिल सकता है, अगर एक या दो दिन 415 रुपये के ऊपर सस्टेन होगा। और न्यू बायर तभी बाय करेंगे जब ये 415 रुपये के ऊपर सस्टेन होएगा, और जिन्होंने बाय कर रखा है वो 400 रुपये के स्ट्रॉन्ग SL के साथ फॉलो कर सकते हैं। 400 रुपये के, दोबारा ले लेता हूँ, 400 रुपये स्ट्रॉन्ग SL। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए शेयर के। किसी शेयर में किसी भी तरह की इंक्वायरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज।